हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देसी घी में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, एंटीवायरल गुण होते हैं। इसे सर्दियों में खास तौर पर सब्जी, दाल, पराठे या फिर मीठे में मिलाकर खाया जाता है। ये खाने के स्वाद को दो गुना करने के साथ साथ हमारी सेहत को भी दुरुस्त बनाने में मदद करता है। इसमें फैट अधिक होने से शरीर को सही वजन मिलने के साथ इम्यूनिटी बूस्ट होने में भी मदद मिलती है। ऐसे में बीमारियों से बचाव रखने के साथ दिल और दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। तो आज मैं आप लोगों को देसी घी को खाने के कुछ लाजवाब फायदे बताने जा रही हूँ, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, देसी घी को खाने से जो हमें पहला फायदा मिलता है, वो मिलता है हमारे दिल के आंतों और खूनों में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही हार्ट ब्लॉकेज से बचाव रहता है। ऐसे में दिल स्वस्थ रहने के साथ इससे जुड़ी बीमारियों के होने के खतरा भी हमारे शरीर को नहीं होता है। वहीं इसका दूसरा फायदा जो हमें होता है, वो होता है इम्यूनिटी के लिए। देसी घी का सेवन करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करता है। ऐसे में इन्फेक्शन या फिर मौसमी बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव रहता है। वहीं इसका तीसरा फायदा जो हमें होता है, वो होता है माइग्रेन के लिए। जिन भी लोगों को माइग्रेन की बहुत ज्यादा परेशानी है, उन लोगों ने देसी घी की 2 से 3 बूंदे नाक में डाल देनी है। इससे उनका जो माइग्रेन का पेन है वो दूर होता है, साथ ही साथ माइग्रेन की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वहीं इसका चौथा फायदा जो हमें मिलता है, वो होता है हमारे वजन के लिए। क्योंकि फ्रेंड, इसमें फैट अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में दुबले पतले लोगों को सही वजन पाने के लिए देसी घी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। जो लोग थोड़ा से ज़्यादा हेल्थी हैं, तो उन लोगों को देसी घी का ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं इसका पाँचवा फायदा जो हमें होता है, वो होता है हमारी हड्डियों के लिए। विटामिन B2, कैल्शियम से भरपूर देसी घी मांसपेशियों और हड्डियों के मजबूती दिलाने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में आई थकान, कमजोरी को दूर करके दिन भर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर को एनर्जी देता है। वहीं इसका छठा फायदा जो हमें होता है, वो होता है कब्ज में। आप लोगों ने दूध में 1 छोटा चम्मच देसी घी मिलाकर पीना है। ऐसा करने से कब्ज की जो आप लोग को परेशानी हो रही है, वो खत्म हो जाती है। आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। आपके शरीर में जो भारीपन या दर्द की आपको शिकायत हो रही है या फिर एसिडिटी हो रही है, वो भी नहीं होगी। वहीं इसका सातवां फायदा जो हमें होता है, वो होता है ये हमारे शरीर पे हुए घाव को ठीक करता है। त्वचा के जलने पर प्रभावित जगहों पर आप लोगों ने तुरंत से घी लगा लेना है। इससे जलन और दर्द होने के साथ साथ जहाँ पे घाव हुआ है वो जगह फूलती नहीं है। साथ ही इसे लगाने से धीरे धीरे जलने से त्वचा पर पड़े दाग धब्बे दूर होने में भी आपको मदद मिलती है। वहीं इसका जो आठवां फायदा हमें होता है, वो होता है हमारी स्किन के लिए। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग गुणों से भरपूर घी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे त्वचा को गहराई से पोषण मिलने के साथ साफ, निखरी, मुलायम और ग्लोइंग स्किन मिलती है। इसे खाने के अलावा मॉइस्चराइजर के रूप में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विंटर के टाइम पे काफी सारे लोगों का फेस बहुत ज्यादा रूखा पड़ जाता है, यानी कि बिल्कुल दरदरा पड़ जाता है। तो उन लोगों को घी को मॉइस्चराइजर के तौर पे अपने स्किन पे लगाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था इन्फॉर्मेशन देसी घी खाने के फायदों के बारे में, कि कैसे देसी घी हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। सो आई होप कि आप लोगों को भी मेरे द्वारा बताई गई आज की ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी घी का सेवन नहीं करते हैं, तो आज से आप लोग घी का सेवन करना शुरू कर दीजिएगा। ये आपको काफी सारी प्रॉब्लम से बचाता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को पसंद लगी हो, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।